सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिरामिड लाइट के इस पेज पर आज मुझे मदर टेरेसा के लिए बोलने का मौका मिला। पिरामिड लाइट पिछले 2 महीनों से अलग अलग महान विभूतियों के बारे में बता रही है, हमें सिखा रही है, समझा रही है, जो अलग अलग देशों से है, शहरों से है और अलग अलग रिलीजन से भी बिलोंग करते हैं। ये बहुत ही सुंदर और दिव्य यात्रा चल रही है जिसमें हम घर बैठे रोज़ एक अलग महान विभूतियों के बारे में हमें सुनने को, सीखने को मौका मिल रहा है। वाइट सिस्टरहुड जो आशा दी ने इस ऑर्गेनाइजेशन से हम सभी बहनों को जोड़ा, हमें बताया कि हम सब महिलाएं में अपने अंदर कितनी शक्ति है, हम एक्चुअली है कौन। हम सभी प्यार, करुणा, दया, आनंद, त्याग, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर ही समाहित है और हम समय के साथ स्वयं को भूल गए हैं कहीं ना कहीं। और जब हम इन महान विभूतियों के बारे में सुन रहे हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है। हम भी माय डियर फ्रेंड्स, आपको सभी को मेरी आवाज़ आ रही है क्या, एक बार प्लीज़ फिर से मुझे बता दें। ओके, थैंक यू छाया दी। आई होप आई एम वेरी मच ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। अगर किसी भी तरह से कोई भी आपको लगता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। या तो जैसा मैं बता रही थी, बीच में कुछ सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट हुआ, उसके लिए क्षमा चाहूँगी। आज का मेरा विषय है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जो 20th सेंचुरी की सबसे जानी मानी संत के रूप में जानी गई है, वो पूरे विश्व को उन्होंने दया, प्रेम, करुणा सिखाया है और उन्हें माँ का दर्जा प्राप्त हुआ। इसीलिए हम उन सब उनको माँ के नाम से जानते हैं। उनकी जीवनी स्टार्ट करने के पहले एक बार फिर से मैं पिरामिड लाइट के सभी सदस्यों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आशा दी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं मदर टेरेसा के विषय में कुछ बोल पाऊँ। वो मेरे दिल के हमेशा से बहुत करीब रही है। मैं छोटे से मदर टेरेसा से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रही हूँ। मैं सेंट मेरीज में मेरी पढ़ाई, सेंट मेरी स्कूल से मैंने पढ़ाई की है और जैसे कि वो मिशनरी स्कूल होता है, वहाँ पे हमें लेके जाया करते थे बीच बीच में मदर टेरेसा होम वगैरह। और कहा कहते थे, सिस्टर्स कहती थी, आपके घर में अगर कोई भी पुराना न्यूज़पेपर या कोई कपड़े हैं तो उन्हें धुलाई करके, सफा करके आप लेकर आएँ,
अगर कुछ फटा है तो उसको सिलाई करके आयरन करके लाएं, ऐसा नहीं कि वो गरीब है तो कैसे भी आप दे देंगे। दिस वॉज अ ब्यूटिफुल लेसन वी ऑल लर्न्ड। और इतने सालों तक हमेशा से हम जाते थे उनको, सिस्टर्स लोगों को सेवा करते हुए मैं जब देखती थी। अभी साउंड ठीक है? इफ यस तो यस लिख दीजिए श्वेता जी। तो जब मैं उनको सेवा करते हुए देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता था वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, वो कैसे गरीबों को अपने हाथ से खाना खिलाती थी, इतने धैर्य से उनकी सेवा करती थी। जो लोग चल फिर नहीं सकते थे उन्हें वह अपने हाथ से पकड़ के चलना सिखाती थी, उनको दवाइयाँ देती थी, सारी सुख सुविधा का उनका ख्याल रखते थे, जो बहुत पैशन के साथ, मतलब आई वॉज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड, मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हुई उनकी इन सेवाओं से। ये सब चीज़ देखते देखते मैं बड़ी हुई। कभी हमें कहा जाता था कि अगर आपके पास कोई खाने पीने की सामग्री है तो चाहे तो आप वो भी ला सकते हैं, तो हम वो भी लेकर जाते थे। तो फाइनली आई लर्न द मीनिंग ऑफ चैरिटी फ्रॉम माय स्कूल। घर से भी मम्मी पापा हमेशा सपोर्ट करते थे, जो भी होता था हमेशा कहते थे मिल बांट कर खाना है, मिल बांट कर ही सारा काम करना है, और यही शिक्षा स्कूल से भी मिलती थी। तो ये आगे चलकर जाना मदर टेरेसा का भी यही था कि जो भी कुछ मिले हमेशा मिल बांट कर काम करें। अपने लिए तो सभी जीते हैं लेकिन दूसरों के लिए भी जीना सीखना चाहिए हमें। और हमारे गुरु पत्री जी, उनसे भी मैंने ये सीखा वो कैसे निस्वार्थ भाव से पूरे विश्व को ध्यान सिखा रहे हैं, और हम सब एक प्लेटफॉर्म में जुड़ रहे हैं। आशा दी जिन्होंने ये बीड़ा उठाया कि वर्ल्ड वीमेन मिस्टिक्स एंड गॉडेस, जो दुनिया भर की जितनी भी देवियां हैं, विभूतियां हैं, लेजेंडरीज हैं, उनके बारे में हम पढ़े समझें, और जो भी हमें समझ में आया वो हम सबके साथ शेयर करें। ये कोई आम बात नहीं है, इट इज़ ब्यूटीफुल, जो जीवन भर के लिए रह जाएगा। हम सीख रहे हैं और ये मुझे बड़े आश्चर्य की बात लग रही है कि जिन जिन बॉडीज या मिस्टिक्स के साथ हमारा कहीं ना कहीं कोई अटैचमेंट था, वही लोग हमें मिस्टिक्स या बॉडीज हमें मिल रहे हैं जिनसे, जिनके बारे में हम कुछ कह पाए। मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन है, था या हो गया है, एंड ये मुझे एक मिरेकल जैसा चीज़ लग रहा है। आई एम सो हैप्पी टू दिस पिरामिड लाइट एंड आशा दी स्पेशली। थैंक यू टू ऑल द टीम मेंबर्स एंड आशा दी, एंड टू ऑल माय मास्टर्स, माय गुरुज हु गेव मी दिस मच ऑफ नॉलेज कि आज सभी के समक्ष मैं कुछ बोल पाऊँ, कुछ अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाऊँ, और जो भी मैंने सीखा पढ़ा वो मैं आज आप सभी के साथ बांटूंगी। तो आज मैं ऋतु अग्रवाल आपके बीच मदर टेरेसा की जीवनी के बारे में बताना चाहती हूँ। जिंदगी उसी की जिसके मरने पे जमाना अफसोस करेगा। ले यूं तो हर शख्स आता है दुनिया में मरने के लिए, बिल्कुल दोस्तों, ऐसे बहुत से चेहरे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन याद वही रहते हैं जिन्होंने इस देश को एक याद और एक अलग छवि दी है, अपना एक अलग रूप दिया है, अपनी अलग एक नई दिशा दी है। ऐसे में अगर मैं दो शब्द कहूँ, दया और निस्वार्थ भाव, तो आपके जहन में क्या आता है? कहते हैं अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर कई लोग ऐसे भी हैं
जिन्होंने अपना जीवन दूसरों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, अपना पूरा जीवन उनके लिए बिना किसी स्वार्थ के निछावर कर दिया, वही लोग महान कहलाते हैं। उन्हीं में से एक शख्सियत का नाम है मदर टेरेसा, जिनका दिल सिर्फ दीन, असहाय, गरीब और बीमार लोगों के लिए ही धड़कता था, और इसी कारण उन्होंने अपना जीवन सेवा और भलाई के लिए लगा दिया। मानवता और उनकी शांति के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वो भारत की नहीं होते हुए भी भारत आई, अपना पूरा जीवन यहाँ के लोगों के लिए बिताया, क्योंकि वे भारतीय लोगों से प्रेम करने लगी थी और उनके लिए महान कार्य किए। आज जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उनका पूरा विश्व मदर के नाम से जानता है। जी हाँ दोस्तों, उन्हें माँ का दर्जा प्राप्त है। उनकी जीवनी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। अब हम जानेंगे मदर टेरेसा के प्रेरणादायक जीवन और उनके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त स्कॉपचे में हुआ था, मैसिडोनिया शहर में। उनका वास्तविक नाम एग्निस बोंजा बुजाक्षु था। उनके पिता एक साधारण बिजनेसमैन थे। जब मदर टेरेसा सिर्फ 8 साल की थी, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनका पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी उनकी माँ पर आ गई थी। वो अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। बचपन से ही उन्हें धार्मिक, संगीत और सामाजिक प्रचारों की कहानियाँ सुनने का शौक था, इसीलिए उन्हें 12 साल की उम्र में ही ठान लिया था कि वे अपना जीवन समाज हित के लिए न्यौछावर कर देंगी। कितनी आश्चर्य की बात है ना, इतनी छोटी सी उम्र में, 12 साल की उम्र में उनको ये ज्ञात हो गया था कि उनको करना क्या है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ अवर लाइफ। इतने जब बच्चे आजकल नहीं जान पाते, इतनी उम्र पाकर भी हम नहीं समझ पाते, और उनको पता था, शी वॉज सच अ डिवाइन सोल। जब वो 18 साल की हुई, तब उन्होंने सिस्टर ऑफ लॉरेटो में शामिल होने का फैसला किया। उसके बाद वो आयरलैंड गए, वहाँ उन्होंने इंग्लिश भाषा सीखी। सिस्टर टेरेसा 6 जनवरी 1929 को आयरलैंड से भारत पहुँची और दार्जिलिंग में शिक्षा ग्रहण की। वो एक अनुशासित शिक्षिका तो थी ही, और सारे स्टूडेंट्स भी उनको बहुत प्यार करते थे। मैं सिस्टर टेरेसा स्कूल में शुरू किया। ऐसा है ना दोस्तों, कि आप अगर कहीं पे भी किसी के लिए कोई कार्य करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी देश हो, शहर हो, तो वहाँ की भाषा से अवगत होना बहुत ज़रूरी होता है, और तभी आप उनके साथ एक होकर कार्य कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, तो आप उनके साथ एकता के रूप में काम नहीं कर पाएंगे। एंड दैट इज़ व्हाट शी लर्न बंगाली, क्योंकि उनको इंडिया के लोगों से प्यार था। वो भारत आए, कोलकाता के पास दार्जिलिंग शहर में उन्होंने अपनी जर्नी वहाँ से स्टार्ट करी थी, तो बंगाली सीखना बहुत ज़रूरी था उनके लिए। और कुछ सालों के बाद वह वहाँ की प्रिंसिपल बन गई। अक्सर बच्चों को पढ़ाते समय
उनकी नज़र खिड़की के बाहर उन गरीब बच्चों पे पड़ती थी जो झोपड़पट्टी में रहते थे। ये सब देखकर उनका हृदय दुख से भर जाता था। उनकी ये दशा देखकर उनके अंदर सेवा का भाव उत्पन्न होता था। 24 मई 1931 को एग्नेस नन बन गए और तब उन्होंने अपना नाम टेरेसा रखा। उन्होंने स्वयं लिखा है, 10 सितंबर 1940 का दिन था जब वो अपने एनुअल वेकेशन पर दार्जिलिंग जा रही थी। तभी उनके अंतर आत्मा से एक आवाज़ आई कि उन्हें अपना जीवन गरीबों की सेवा करते हुए अपना जीवन त्याग देना है, यानी कि उनके लिए वो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देना चाहती थी, क्योंकि छोटे से ही उनको सबकी सेवा करने का रहता था। वो बहुत अटैच रहती थी गरीबों के लिए और वो चीज़ उनका पर्पस बिल्कुल क्लियर होता चला गया था। 1943 में बड़ी संख्या में शहरों में मौत होने लगी। लोग गरीबी से बेहाल थे। कुछ सालों के बाद 1946 में हिंदू मुस्लिम के दंगों में कोलकाता के शहर में की स्थिति और भी ख़राब हो गई थी। बहुत लोग मरने लगे थे। ऐसी स्थिति में मदर टेरेसा ने लोगों की बहुत सेवा करी। फाइनली 7 अक्टूबर 1950 वेटिकन से मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना करी। इस संस्था का उद्देश्य भूखे, निर्वस्त्र, बेघर लोगों की सहायता करना था, जिनके लिए समाज में कोई जगह नहीं थी। उसी समय कोलकाता में उन्होंने एक स्कूल की स्थापना करी जो गरीब बच्चों की सहायता करना ही उनका लक्ष्य था। उसके लिए उन्होंने अपना वस्त्र बदल दिया। बताइए, नीली पट्टी वाली सफ़ेद सूती साड़ी धारण कर मिशनरीज के साथ काम करना शुरू किया। कितना रेवोल्यूशंस उनके लाइफ में आते गया और वो आगे बढ़ती गई। मदर टेरेसा ने गरीबों की सेवा के लिए उस समय के सरकार से बातचीत भी की और कोलकाता में कालीघाट मंदिर के पास स्थित एक जगह में निर्मला हृदय और निर्मला शिशु भवन नामक एक अनाथ आश्रम को खोला। निर्मला हृदय का ध्येय असाध्य बीमारी के ग्रसित रोगियों को सेवा करना था, जिन्हें समाज में बाहर कर दिया था। निर्मला शिशु भवन की स्थापना अनाथ और बेघर बच्चों की सहायता के लिए हुई थी। वो कहते हैं ना, सच्चे मन और मेहनत से किया गया काम कभी असफल नहीं होता। ये कहावत मदर टेरेसा के साथ सच साबित हुई। मदर टेरेसा ने अपनी लगन से दया, प्रेम, करुणा, ममता की एक धार्मिक नींव रखी। उन्होंने अपने शब्दों में कहा, मैं उन लोगों की परवाह करती रहूंगी जो भूखे, नंगे, बेघर, अंधे, कुछ रोगों और समाज से किसी भी तरह से अवांछित या समाज के लिए बोझ बन गए हैं। उनकी वह हर तरह से मदद करती रहेगी, जो उन्होंने किया भी। आज दुनिया भर में मिशनरीज ऑफ चैरिटी हो है, हजारों से भर के लाखों तक हो गए हैं जो गरीब से गरीब लोगों की सहायता करने में
तत्पर है। ये संस्था हुई थी। आज 5,000 से भी अधिक लोग इस संस्था से जुड़ गए हैं। देखिए कितना महान कार्य किया है उन्होंने, जो उन्होंने सोचा वो किया। उनकी इस जर्नी में उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा था, पर वह अपने निश्चय से, अपनी दृढ़ता से वह लगी रही, करती रही, गवर्नमेंट से बात करी, अनेकों अनाथ आश्रम खोले, कोई जो मिला उसकी सहायता जिस तरह से भी वो कर सकती थी करी। भूखे रहकर, अकेले रहकर कभी भी हिम्मत नहीं हारी, ऐसी वो महान देवी रही। आज पूरा विश्व स्पेशली चैरिटी की जब बात आती है तो मदर टेरेसा का नाम तो आ ही जाता है। उनकी जीवन शैली हमारे मनस पटल पे रहती है। बचपन से ही हमने उनकी कहानियाँ सुनी, हमने स्टोरीज हम सुनते आए। कहीं भी जाते हैं मदर टेरेसा होम तो हमें मिलता ही मिलता है। ये कोई आम बात नहीं है। एक अकेली नारी, पूरे विश्व में उसने अकेले अपनी पहचान बनाई। जी हाँ दोस्तों, हमें सीखना है, हमें भी अपने आप को जानना है कि हम कौन हैं। हमारे अंदर में भी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हो सकती हैं जिसे हमको जानकर उसे आगे बढ़ाना है। जी हाँ, मदर टेरेसा ने अपना ये कार्य करके दिखाया, वो हारी नहीं। उनके इस कार्य में बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई। लोगों ने लगा कि वह अपना ही धर्म का प्रचार करने में लगी हुई है, पर ऐसा नहीं था। आज भी आप देखेंगे कोई भी मदर मिशनरीज ऑफ चैरिटी होम होगा, उधर वह धर्म से लेकर लोगों को आमंत्रित नहीं करते हैं, हर किसी को किसी की सेवा करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ समय के बाद मैंने सुना कि धर्म परिवर्तित करने के लिए कहते हैं, पर ठीक है, सेवा तो करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं, दिल से सेवा करते हैं उनको, और साथ ही साथ उनको आत्मनिर्भर होने की भी प्रेरणा देते हैं। अगर वो वहाँ पे सफाई काम करना, खाना बनाना या जो भी उस आश्रम से संबंधित कोई भी कार्य होता है, वो उस कार्य में उनकी मदद लेके करते हैं, दे जस्ट मेक देम फील लाइक अ होम। मैंने देखा है ये अपनी आँखों से। मेरे घर के पास भी एक मिशनरी चैरिटी होम है। मैं अक्सर जब भी मुझे मौका मिलता है मैं वहाँ जाती हूँ। उस समय वहाँ के अनाथ बच्चों के साथ अपना समय बिताती हूँ, उनके साथ कुछ शेयरिंग करती हूँ, और कभी कभी कुछ खाने का सामान भी लेके जाती हूँ, तो मुझे एक अजीब सी खुशी मिलती है। बहुत आनंद आता है कि इतने सुंदर तरीके से सारी व्यवस्था की गई है और कितने अच्छे से वो सारे लोग ठीक हो रहे हैं, सारी सुख सुविधाओं का वो ख्याल रखते हैं, जितना हो सके कोई भी किसी भी तरह की कोई कमी महसूस होने नहीं देते, और गवर्नमेंट भी बहुत तरीके से उनको हेल्प करती है। अब सेवा करना, लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ भी कुछ समय बिताना, ये भी मेरे को, मेरा भी एक हिस्सा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मैं कोई अनाथ आश्रम में जाती हूँ तो वहाँ सैटरडे संडे छोटे बच्चों को कुछ पढ़ा देती हूँ, मेडिटेशन सिखाती हूँ। तो बहुत से लोग ऐसे भी मुझे कहते थे कि ऐसे लोगों के साथ रहो कि तुम ऐसी ही बन जाओगी, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अच्छा लगता है कि यस, आई कैन हेल्प समबडी इन एनी वे, इन एनी टाइम आई कैन। उनके इतने महान कार्य की वजह से आज उनको गवर्नमेंट से, अलग अलग देशों से, इंटरनेशनल, नेशनल, बहुत सारे अवार्डों से भी उनको सम्मानित किया गया था। तो जो कुछ अवार्ड्स के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगी, ऐसे कौन से अवार्ड्स थे। मदर टेरेसा को मानवता सेवा के लिए अनेक पुरस्कार और इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने उन्हें पहले 1962 में पद्मश्री और बाद में
देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मानव कल्याण के लिए किए गए कार्यों की वजह से उन्हें 1979 में नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मान किया गया। नोबेल पीस प्राइज की जो धनराशि थी वो 1,92,000 डॉलर की थी, जो उन्होंने गरीबों की सेवाओं में दान कर दिया। इतनी बड़ी बात है, देखिए 45 सालों तक निरंतर थक जाते हैं, पर वह अन समय तक करती थी बड़ी ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ। और आज देखिए पूरा विश्व उनकी इस क्रिया को जान रहा है, तो हमें उनकी जीवनी से ये भी सीखने को मिल रहा है दोस्तों, कुछ भी हो जाए हारना नहीं है, आपने जो सोच लिया उस पर चलते रहना है। गरीबों की सेवा के लिए वे सड़कों पर भी नंगे पांव से चलती थी। मदर टेरेसा को ग्लोबल अवार्ड से सम्मान किया गया। उस समय एक न्यूज़ रिपोर्टर ने उनसे आकर पूछा, इशू हम विश्व शांति के लिए क्या कर सकते हैं? तब मदर टेरेसा ने जवाब दिया, पहले अपने घर जाकर अपने घर वालों से प्यार करो, ये बहुत छोटी बात है पर बहुत गहराई है इन बातों में। आज घर में ही अगर शांति नहीं है, परिवार में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, यदि खुद के परिवार में शांति और प्रेम ना हो तो हम दूसरों को प्यार कैसे करेंगे? पहले अपने परिवार से प्यार करना सीखना है, उनके साथ मेल मिलाप करना सीखना है, तभी हम दूसरों के साथ प्यार कर पाएंगे, तभी हम दूसरों के साथ भी एडजस्टमेंट करना भी सीख पाएंगे। सच ए ब्यूटीफुल थिंग कि बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, लव पैशन कंपैशन सब कुछ हमारे घर से ही शुरू होता है, तो हमें अपने घर से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। एक बार एक कैलाशा के सेवक आकर पूछा मदर टेरेसा से कि आप कहती हैं गरीबों का एक अनाथ आश्रम बनूंगी, तुम्हारे पास ऐसा कितना पैसा है? तब मदर टेरेसा ने कहा, आई हैव 3 पेनी, ये पैसे मैं अपने परमेश्वर के हाथ में रखूंगी, तो वो मेरी इन 3 पेनी के साथ मेरी सहायता करेगा। देखिए कितना विश्वास, होते ना विश्वास पर ही दुनिया कायम है। 3 पेनी थे सिर्फ, उन 3 पेनी से वह अनाथाश्रम खोलने का भी विश्वास रखती थी। धीरे धीरे मदर टेरेसा को देखकर बहुत लोग उनसे जुड़ने लगे और पूरे विश्व भर में इस संस्था का प्रचार होने लगा। वे हमेशा से अपने हर कार्य से प्रेम दया करुणा का संदेश देना चाहती थी, जिसमें वह कामयाब भी हुई। एक साधारण जीवन शैली जिया और अपनाया और आज वे विश्व विख्यात हैं। जी हाँ दोस्तों, मदर टेरेसा कोई आम इंसान नहीं है। मदर टेरेसा की फाइनली मृत्यु 1997 5 सितंबर में कोलकाता शहर में हुई हार्ट अटैक के द्वारा, और उसके बाद मदर टेरेसा हमेशा के लिए अमर हुई। मदर टेरेसा ने अपने जीवन में जो भी कार्य किए उस कार्य से रिलेटेड काफ़ी सारे कोट्स हैं, काफ़ी सारे मैसेजेस हमें देखने को मिलेंगे। हम सभी लोग उनके फेमस कोट्स जो हैं वो 2-3 मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। हम सभी लोग महान काम नहीं कर सकते
लेकिन हम सब छोटे काम बड़े प्यार से कर सकते हैं। शांति एक मुस्कान के साथ शुरू होती है। यदि आप 100 लोगों को नहीं खिला सकते, कोई बात नहीं, किसी एक व्यक्ति को खाना खिला दें। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। ऐसे बहुत सारे कोट्स हैं, ये कुछ कोट्स मुझे अच्छे लगे थे तो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। उनकी जीवनी को जानकर मुझे एक वचन याद आता है, दूसरों के लिए जो जीवन नहीं जिया गया वास्तव में वो जीवन ही नहीं है। उनका कहना था, हमारे जीवन में प्रेम प्यार शांति की कमी है क्योंकि हम बिल्कुल भूल गए हैं। हम सब एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। अगर उनकी ये शिक्षा समाज अपनाता रहे तो निश्चित रूप से समाज को एक नई दिशा मिलेगी और समाज का सौहार्द हमेशा बना रहेगा। यूं तो उनकी लाइफ से सीखने के लिए अनेकों उदाहरण हैं। उन्हीं में से एक और एग्जाम्पल जो मैं आपके साथ साझा करूंगी, विश्वास और क्रिया दोनों काम करने चाहिए। सिर्फ विश्वास होने से भी कुछ नहीं होता, हमें क्रिया भी करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अगर हम उस पर अमल ही नहीं कर सके तो हमारी बातों करने का क्या फ़ायदा हुआ। वी हैव टू बिलीव इन आवर सेल्फ। हम जो कहते हैं वो हमें करके भी दिखाना चाहिए। मदर टेरेसा आज 20th century की सबसे महान मानवतावादी महिलाओं में से एक थी और इसी वजह से वो आज विश्वविख्यात भी हैं। उनकी मृत्यु की 19वीं वर्षगांठ के ठीक एक दिन पहले 4 सितंबर 2016 को उन्हें संत के रूप में चिन्हित किया गया। मीन्स उन्हें रिकॉग्नाइजेशन मिली कि शी इज द सेंट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए आज वो इस दुनिया में नहीं है पर उन्हें आज भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से सम्मान के रूप में जाना जा रहा है, उनको सम्मान दिया जा रहा है और वे अमर हैं। हम सबको भी उनके जीवन से इसी तरह से प्रेरणा लेना है, अपने आप को समझते हुए आगे बढ़ना है। और हम सिर्फ त्याग, एक महिला जो कहते हैं सिर्फ त्याग ही नहीं, प्रेम करुणा दया ममता ये सब कुछ उनमें था, जो सब हर महिला में होता है, हम में भी है। हमें भी जानना है अपने आप को, हमें भी आगे बढ़ना है। और आशा करती हूँ उनकी जीवनी को सुनने के बाद आपने जाना होगा कि इतना मुश्किल कठिन दौर था उनके जीवन का, पर वह कभी हिली नहीं। बहुत छोटी सी उम्र से भी उन्होंने निश्चय करते हुए आगे उभरती चली गई और आज वे अमर हैं। अब हम मदर टेरेसा को याद करते हुए उनकी ब्लेसिंग्स लेना चाहेंगे, अपने आप को और गहराई से समझेंगे, अपने अंदर झांकने की कोशिश करेंगे, एक ध्यान के माध्यम से उस प्रेम को जगाने की कोशिश करेंगे जो कहीं ना कहीं हो गया है। जब तक हम स्वयं से प्यार करना नहीं सीख जाते दोस्तों, हम कैसे किसी को प्यार कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मेडिटेशन के लिए सभी मेरे प्यारे दोस्तों तैयार हो जाएं और मेडिटेशन करने की एक छोटी सी आप सभी को इस तरह से उंगलियों में उंगली फंसा कर बैठना होगा, अपनी आँखें बंद करनी है, अपने पांव को क्रॉस कर लेना है और गहरी लंबी सांसों के साथ आप बैठेंगे।
मैं सपोर्ट के लिए एक म्यूज़िक लगा देती हूँ। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी अपनी आंखें बंद करते हुए बैठ जाएं। लंबी गहरी सांस लेंगे और बिल्कुल स्वच्छ रिलैक्स होकर बैठिए। आज के युग में हम हर किसी की परवाह करते हैं सिवाय उसके जो हमें आईना में दिखता है। दोस्तों, आजकल हम सभी लोग कहीं ना कहीं सेल्फ सिंड्रोम से पीड़ित हैं। इसके कारण हम अपने आप में थके हुए महसूस करते हैं, स्ट्रेस में महसूस करते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी से भी हम घिरे रहते हैं। दोस्तों, आज के इस ध्यान में हम प्रेम और लव को अपने अंदर बढ़ाएंगे। इस मेडिटेशन को करने के साथ साथ आपका हृदय और ज़्यादा एक्सपेंड होने लगेगा और आप आनंदित महसूस करेंगे। आराम से बैठें और कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। ये मेक श्योर करें कि आप अगले 15 से 20 मिनट तक आपको कोई डिस्टर्ब ना करें। एक गहरी श्वास अपने अंदर लीजिए और पूरा शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। एक और सांस लें और पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स कर दें। शरीर के कण कण को विश्राम मिल रहा है और आपका मन शांति का अनुभव कर रहा है। इस शांति के समंदर में और गहरी उतरते चले जाएं। दोस्तों, मदर टेरेसा हमेशा कहती थी, अगर आपके जीवन में प्यार नहीं है तो सबसे पहले स्वयं से प्यार करना सीखें। अपने हृदय को प्यार से भरना सीखें। आप देखेंगे आपके जीवन में धीरे धीरे
चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। इस प्रेम और आनंद को अपने हृदय में अरे अपने शरीर को हर एक अंग को ऊपर से लेकर नीचे तक, हर एक सेल्स, हर एक टिश्यूज को विश्राम करने दें। अपना शरीर को बिल्कुल हल्का और हल्का होने दें, मानो बिल्कुल हल्का हो गया हो। और अपने मरस पटल में एक ऐसी छवि लाए जो पास्ट की हो सकती है, जिसमें आपको बहुत प्रेम और आनंद की अनुभूति हुई हो। रिमेम्बर एनी इवेंट विच वॉज हैप्पी मोमेंट फॉर यू। अब आपके जब आपके पार्टनर ने कभी कोई गिफ्ट दिया हो, या आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया हो, या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ आपने कोई सेलिब्रेट कर बहुत एंजॉय किया हो, रिमेम्बर इस घटना को अपने मनस्पटल पर स्पष्ट देखना शुरू कीजिए। जैसे जैसे आप इस घटना में डूब रहे हैं, आप प्रेम को अनुभव कर रहे हैं। Allow the vibrations of love to flow in your whole body. अपना पूरा शरीर इस प्रेम, आनंद के सरोवर से भर रहा है। जैसे जैसे आप उस घटना के करीब जा रहे हैं, आपके हृदय से प्रेम की खुशबू फैलनी शुरू हो चुकी है। और आपका पूरा शरीर प्रेम से भर रहा है। हो सकता है आपके हृदय में कोई संवेदना चल रही हो, बॉडी में कोई टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा हो, जो भी आप पूरी तरह से एक्सेप्ट करें। जैसे जैसे आपका मन शांत हो चुका है, आप में प्रेम की लहरें बाहर निकलनी शुरू हो चुकी है। और आपके पूरे शरीर को प्रेम के बारिश से भर रही है।
दूसरों को तब तक तक प्यार नहीं कर सकते जब तक आप खुद को प्यार करना ना सीख जाएं। जी हाँ, जब तक आपके हृदय के सरोवर में प्रेम ना भरा हो तो आप दूसरों को क्या दे सकते हैं। आप ना ही अपने आप से खुश रहेंगे ना ही अपने कैरियर से। दोस्तों, रिसर्च से ये कहता है कि कोई आपको तभी प्यार करेगा जब आप स्वयं से प्यार करना सीख जाएं। और वही इस मेडिटेशन का उद्देश्य भी है। और अब आपका पूरा शरीर धीरे धीरे इस प्रेम में डूब चुका है। अपने आप में आनंदित महसूस कर रहे हैं। अब अपना राइट हैंड अपने हाथ पर रखें और महसूस करें आपका हृदय धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है। विशाल हो रहा है। फील दैट योर हार्ट इज एक्सपेंडिंग मोर एंड मोर। फोकस ऑन इट डीपली। ये और विशाल रहा है। अब आप इमेजिन कीजिए आपके हृदय में एक कमल का फूल है। देयर इज अ लोटस इन योर हार्ट। ये कोई साधारण लोटस नहीं बल्कि प्रेम का कमल है। लोटस ऑफ लव। और ये लोटस अभी बंद है एक कली के रूप में। दोस्तों, हमारा सच्चा स्वरूप प्रेम, आनंद और जॉय का है। लेकिन हम इस प्रेम, आनंद और खुशियां इस कमल के फूल की तरह बंद है। आज ये वक्त है, हमें मौका मिला है कि हम अपने इस कमल के फूल को खोलेंगे। सच्चे स्वरूप प्रेम आनंद से अवगत कराएंगे। अपनी चेतना को, अपने हार्ट रीजन पर केंद्रित कीजिए। और आप इमेजिन करें धीरे धीरे इस प्रेम के कमल को जो आपके हृदय के अंदर है
जो आनंद प्रेम और शक्ति को समेटे हुए है वे अब खिलने लगा है। हर एक पंखुड़ी आप धीरे धीरे खिल रही है। प्रेम की लहरें बहनी शुरू हो चुकी है। ये आनंद की तरंगे आपके पूरे शरीर में फैलनी शुरू हो चुकी है। जैसे हम पानी की बाल्टी में अगर एक कण रंग का डाल दे तो पूरा पानी उसी रंग में परिवर्तित होता है, ठीक उसी तरह से प्रेम का ये कमल खिलने पर आपके अंदर भी प्रेम आनंद और खुशियाँ की लहरें बहनी शुरू हो गई। अब मैं एक से लेकर सात तक गिनती गिनूंगी और ये कमल धीरे धीरे खिलना शुरू हो जाएगा। ये कमल की पंखुड़ियां खिलनी शुरू हो गई है। दो, इट इज ब्लूमिंग विद जॉय। तीन, लोटस पूरी तरह से खिलने के लिए बेचैन हो रहा है। कमल से आनंद खुशियां प्रेम की ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल रही है। सिक्स, अभी कमल पूरी तरह से खिल चुका है और इसके साथ साथ आप आनंद में डूब चुके हैं। इस आनंद को, प्रेम को और गहराई से महसूस कीजिए। इमेजिन करें आपका हृदय हर सांस के साथ और ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है। आपकी सांसें आपके हृदय से और प्रेम की तरंगे निकल रही है। हर श्वास के साथ आपका हृदय और अधिक एक्सपेंड हो रहा है और आप महसूस करेंगे आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ रही है। जहां कहीं भी आपके शरीर में किसी भी तरह का कोई तनाव का चिन्ह हो, कोई एंजाइटी हो तो देखिए वो भी बिल्कुल अपने आप ठीक होने लग रहा है। क्योंकि प्रेम से भरकर कोई भी ऊर्जा नहीं है दोस्तों। आजकल बहुत सारे लोग हृदय के रोगों से ग्रसित हैं। इसका एक कारण ये भी है कि उन्होंने अपने हृदय को बंद कर लिया है।
उसके अंदर अब प्रेम नहीं है। अपने इस हृदय के द्वार को खोलिए। पुट योर राइट हैंड इन योर हार्ट और 5 बार अपने आप से दोहराए, आई लव यू, आई रियली लव यू। I love you very much. और आप जान चुके हैं एक ही इंसान है जो आपके साथ हमेशा रहना चाहता है और वो आप खुद हैं। अगर आप स्वयं से प्यार ना कर सके, सच में आपका जीवन व्यर्थ है। आप दुनिया को तो जीत सकते हैं और जीत भी लेंगे, पर खुद से खुद की ही लड़ाई हार जाएंगे यदि आपने अपने आप से प्रेम करना नहीं सीखा तो। दोस्तों, आज ये मौका मिला है खुद को प्यार भरपूर तरीके से दे, अपने पूरे शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए और इस प्रेम के आनंद में डूब जाए। एक एक कोशिकाओं इस प्रेम में डूबा दे। इस आनंद को थोड़ी देर तक और एंजॉय करते रहे। अब आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान हो, आपकी सारी मांसपेशियां भी मुस्कुरा रही है। शरीर का हर एक अंग मुस्कुरा रहा है, स्माइल कर रहा है। आज मैंने जाना मैं स्वयं को भी प्यार कर सकती हूँ। अब मेरे अंदर प्रेम का एक सरोवर है जो पूरी तरह से भर चुका है। जब भी ये छलकेगा तो ये मेरे सारे रिश्तों को प्रेम से भर देगा। जब भी ये छलकेगा मेरे जीवन में प्रेम, आनंद, धन, संपत्ति
अपने आप आने लगे थे। और जब भी प्रेम का सरोवर छलकेगा आपके आस पास सिर्फ आनंद और प्रेम की ही ऊर्जा होगी। इस ब्लिसफुल मोमेंट को एंजॉय करें। वक्त है वापस लौट कर आने का। दोनों हाथों को अपने ऊपर रखेंगे, अपनी आंखों पर रखिए और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। आशा है इस ध्यान से आपने अपने अंदर उस प्रेम को अनुभव किया होगा। थैंक यू।